ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़ एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं एड्स हो गया ठीक है अब तो ये जो बीमारी है उसका भी आप नाम लिख सकते हो ठीक है उसके बाद आता है हमारा वाट आर पैथोजिन्स पैथोजीन्स क्या होते हैं पैथोजिन्स का बहुत ही आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है तो आप लोग लिखेंगे

a wide range of organisms belonging to bacteria viruses fungi protozoan helminths etc could cause disease ye sare jo cheez hai hame disease cause kar sakte hain ऐसे organisms को हम लोग pathogens बोलते हैं मतलब जो मेन जो है वैरियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं pathogens। सेलमोनाल टाइफाई इज़ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफाई फ़ीवर इन ह्यूमन बींग्स या आपसे पूछा जा सकता है एक मार्क्स में या नीट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पैथो कौन सा बैक्टीरिया के कारण आपको टाइफाई फ़ीवर होता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि सेलमोोना सेमोनेला टाइफाई ठीक है बैक्टीरिया लाइक स्टीरोकोकस फिनोमोनिया एंड हेमाफिलिस इन्फ्लुंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज फिनोमोनिया निमोनिया इन ह्यूम विच इन्फेक्ट्स दी ली एयर फिल्ड सैक्स ऑफ लंग्स हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड कर जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एलोवेली गेट्स फिल्ड विथ फ्लूड लीडिंग टू सेवर प्रॉब्लम इन दी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में दिक्कत आने लगती है सिम्टम्स ऑफ निमोनिया क्या क्या होता है तो फीवर होता है चिल्स होता है कफ होता है हेड एक होता है ठीक है ये सब आप लोगों को पता होगा राइनो वायरस क्या होता है रिप्रेजेंट्स वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स द कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड कैटेगराइज कैसे होता है नेजल कंजेशन डिस्चार्ज सोट थ्रोट हॉर्सनेस यानी कि गला बहुत ही भारी भारी लगने लगता है कफ हो जाता है हेड हो जाता है आपको बहुत ही थका थका सा टाइडनेस जैसा फील होगा जो कि लास्टली तीन से सात दिन तक चलता है ठीक है तो आज के इस वीडियो में लोगों ने कंप्लीट किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ पॉइंट्स अगले वीडियो में हम लोग और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी के साथ जय हिंद